व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यहाँ बच्चों हम बात करेंगे कि जब किसी एसिड को या किसी बेस को आपने वाटर में ऐड कर दिया तो एसिड और बेस के साथ क्या होता है। बच्चों हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि जब आप एसिड्स को वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड्स एच प्लस या एच थ्री ओ प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या एसिड सिर्फ वाटर सोल्यूशन के अंदर ही आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए बच्चों हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड सोल्ट लिया, जिसे हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड लिया। इसमें आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ अमाउंट डाल दी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। आपने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप केयरफुली इस सोडियम क्लोराइड के पाउडर में या सोल्ट में इसमें आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद आपने इसको रबर कोक से बंद करके एक डिलीवरी ट्यूब के द्वारा आपने एक ट्यूब यहां ऐड कर दी। जैसे इन दोनों कंपाउंड्स की आपस के अंदर रिएक्शन होगी, एक गैस बनेगी। उस गैस का नेम है HCl। HCl गैस बनेगी। उस गैस को आप डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से यहां तक ले आए। अब आप क्या करेंगे, अब आप दो प्रकार के लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। एक लिटमस पेपर होगा हमारे पास ड्राई नेचर का और एक पेपर होगा हमारे पास वेट लिटमस पेपर। ड्राई का मीनिंग बच्चों उस लिटमस पेपर के अंदर वाटर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, और वेट के अंदर क्या होगा, वाटर के मॉइस्चर थोड़े बहुत होंगे। अब आपने क्या किया, जहां से गैस इस डिलीवरी ट्यूब में से इवोल्व हो रही थी एचसीएल गैस, उस गैस के पास आप एक उस डिलीवरी ट्यूब के एक एंड पर आप लिटमस पेपर को ले आए। पहले आप ले आए ड्राई लिटमस पेपर को, पर बच्चों हम मैंने पहले बताया आपको कि जो एचसीएल गैस है वो एसिडिक नेचर की है। जब एचसीएल गैस के कॉन्टेक्ट में ये ड्राई लिटमस पेपर आएगा, हम क्या देखेंगे, लिटमस पेपर का जो कलर है, किसका, जो ड्राई था उसका कलर ब्लू से रेड नहीं हुआ। अब फिर आपने क्या किया, दोबारा से उसी डिलीवरी ट्यूब के एंड पर आप एक वेट लिटमस पेपर ले आए। आप क्या पाओगे, जैसे आप वेट लिटमस पेपर इस डिलीवरी ट्यूब के पास लेके आओगे, इस एसिडिक गैस की वजह से, क्योंकि एसिडिक नेचर की है, ये क्या कर देगी, उस वेट लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, वेट का क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं। बच्चों जो एचसीएल गैस थी बच्चों जो डिलीवरी ट्यूब में से निकल रही है, इसको आपने पास करवाया पहले ड्राई लिटमस पेपर पर। ड्राई का मीनिंग इसमें वाटर मॉइस्चर नहीं है, वाटर की एब्सेंस है, और वाटर की अगर बच्चों एब्सेंस होगी तो कोई भी एसिड या कोई भी एसिडिक गैस एच प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर एच प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बच्चों वो कंपाउंड या कोई गैस है, कोई सबस्टांस है, वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर जब आपने उसी एचसीएल गैस को के पास आप वेट लेटर्स पेपर लेके आए, हमने क्या पाया, कलर उसका ब्लू से रेड हो गया, क्योंकि बच्चों वेट पेपर के अंदर वाटर मॉइस्चर थे, और वाटर की प्रेजेंस के अंदर क्या हुआ, उस गैस जो एचसीएल गैस थी उसने इस पेपर का कलर ब्लू से रेड कर दिया। क्योंकि एचसीएल गैस के इस वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या बन गए, एच प्लस आयन बन गए, और एच प्लस आयन का मीनिंग क्या है कि ये एचसीएल गैस अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है, और अगर ऐसा होगा तो पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। इसका मीनिंग बच्चों क्या आपने पाया कि कोई एसिड एच प्लस आयन्स कब इवोल्व करेगा, एच प्लस आयन कोई एसिड कब बनाएगा, जब वाटर मौजूद होगा। एसिड्स प्रोड्यूस एच प्लस आयन्स ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, मीनिंग वाटर का अगर सोल्यूशन होगा, वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही एसिड्स एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर वाटर वहां नहीं होगा या वाटर की एब्सेंस के अंदर एसिड्स एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रिएक्शन को हम देख लेते हैं। एचसीएल गैस है,
जो पाइप में से निकली और जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर कंटेंट है उसके अंदर। जब दोनों, जब इस एसिड को, हम इस एसिडिक बिहेवियर वाली गैस को जब इस वाटर के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा तो एच प्लस आयन बनेंगे। और बच्चों एच प्लस आयन्स क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ये अकेले नहीं रह सकते, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद तुरंत क्या बना देंगे, H3O+ आयन्स बना देंगे। तो HCl और H2O ऐसा होगा तो क्या बनेगा, H3O+ आयन्स एंड Cl- आयन्स। तो इसका मीनिंग बच्चों, इस वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही जो एसिडिक गैस है वो अपने आयन्स बना पा रही है, अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पा रही है। अगर यहाँ पर वाटर ना होगा, नहीं होगा, तो ये गैस अपने आयन्स नहीं बना पाएगी और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चों हम बेसिस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, जब आपने इस बेस को वाटर में ऐड किया तो हम क्या पाएंगे, Na+ एंड OH- आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन आयन्स की वजह से ही ये जो सबस्टांस है वो अपना बेसिक बिहेवियर शो कर पाता है। अगर अब आप लिटमस पेपर इसमें मिलाओगे रेड कलर का, तो उस रेड कलर के पेपर का जो कलर कलर है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये बेस डिसोसिएट होकर अपने रेस्पेक्टिव आयंस बना देगा। ये जो OH- आयंस है बच्चों, इन्हीं की वजह से ये दोनों सबस्टांस अपना बेसिक बिहेवियर शो कर पा रहे हैं। पर अगर यहाँ पर वाटर हम नए ऐड करें, वाटर में इनको नए मिलाएं, तो हम क्या पाएंगे, ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाएं उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एल्कलीज आर सोपी टू टच। अगर हम एल्कलीज को टच करें, बेसिस को टच करें, तो टच करने पर वो साबुन की तरह हमें लगते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, दे आर बेटर इन अ टेस्ट, जो एल्कलीज होते हैं, और नेचर में होते हैं ये कोरोसिव नेचर की, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। इनको कभी भी बच्चों टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि जो बेस होते हैं, एल्कलीज होते हैं, वो स्वाद में, टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, तो कभी भी इनको टच करके, सॉरी टेस्ट नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि टेस्ट करने से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की थी कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड से बच्चों एच प्लस आयन्स आएंगे, बेस से OH- आयन्स आएंगे, और सोल्ट बनेगा उन एलिमेंट का जो हमने, जहां से एसिड और जहां से बेस आया है, और ये दोनों मिलकर एच प्लस OH- आयन्स मिलकर बना देंगे H2O। तो एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू ईच अदर टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। इसका नेम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने बच्चों एक बीकर में कुछ मिलीग्राम, जैसे मैं बात करता हूँ 10 मिलीग्राम, आपने इस बीकर में वाटर लिया, ऊपर से आपने कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। हम क्या पाएंगे बच्चों, जब आप इस बीकर के बॉटम को या इसके आसपास जहां तक वाटर है वहां टच करोगे, हम क्या पाएंगे, हीट रिलीज हुई है, वो बीकर गर्म हो गया है। इसका मीनिंग बच्चों, प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड इन वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिकॉल चैप्टर नंबर 1, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज हो। यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, जब आपने वाटर में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ गया, बीकर बाहर से बीकर हीटअप हो गया,
इसका मीनिंग इनकी केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। वहीं अगर आप यहाँ एसिड की बजाय कंसंट्रेट बेस ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, तो भी सेम रिएक्शन होगी, ये बीकर फिर भी गर्म होगा। इसका मीनिंग बच्चों, जब आप एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसीलिए जब हम एसिड या बेस को वाटर में ऐड करें, कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एसिड और बेस मस्ट बी एडेड टू वॉटर, नोट वॉटर टू एसिड बेस। इसका मीनिंग बच्चों, आप क्या आपने करना क्या है, वॉटर में एसिड या बेस ऐड करना है, ना कि एसिड और बेस में वॉटर। इन दोनों बातों में फर्क है बच्चों। यहां हमने क्या किया, यहां हमने एसिड को वॉटर में ऐड किया, और अगर आपने बीकर में पहले से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता, ऊपर से आप वॉटर डालते, तो इसको मैं बोलता आई एम एडिंग वॉटर टू द एसिड। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। क्यों, कैसे, वो हम देखते हैं। अगर आपने बच्चों कंसंट्रेट कोई एसिड है या बेस है, कोई नाइट्रिक एसिड है, उस कंसंट्रेट एसिड बेस में आपने अगर वॉटर ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी वो होगी बहुत ज्यादा, वेरी हाई, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी अगर आप वॉटर को ऐड करोगे एसिड के अंदर। इससे क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है वो हमारी स्किन पर छलक सकता है, इसके छींटे हैं, ड्रॉप्स हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं। इसीलिए बच्चों, कभी भी वॉटर को डायरेक्टली एसिड या बेस में ऐड नहीं करना चाहिए। फिर सही तरीका क्या है, सही तरीका है एडिंग एसिड और बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग। इसका मीनिंग बच्चों, आपने करना क्या है, पहले आपने बीकर में लेना है वाटर, इसमें जिस भी आप एसिड या बेस को ऐड कर रहे हो उसको ड्रॉपर से आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसमें ऐड करना है, और साथ साथ आप इस बीकर के अंदर इस बीकर के सोल्यूशन को ग्लास रोड से आपने इनको मिलाते रहना है, ताकि जो हीट जनरेट होगी वो कम होगी इससे, और बीकर हमारा गर्म भी नहीं होगा, और इस लिक्विड का बाहर स्प्लैश होना, छलकना, या हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन को समझाने से पहले बच्चों, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मी के दिनों में आपने घर के अंदर नींबू पानी बनाया होगा। मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाया, उसको टेस्ट भी किया, आपने पाया कि उसमें खट्टापन है, वो तो होगा ही नींबू की वजह से। अब आपने उसमें एक उसमें थोड़ा सा कुछ मिलीलीटर आपने ऑर्डिनरी वाटर ऐड कर दिया, आप क्या पाएंगे, अब आप अगर टेस्ट करें उस नींबू के पानी को, अब नींबू का जो असर है वो कम हो जाएगा, उसका जो खट्टापन था, वो खटास थी, वो कम हो जाएगी। इसका मीनिंग बच्चों, अब क्या हुआ, वाटर को ऐड करने से जो नींबू पानी के जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या कम हो गई, इनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी। अब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं। आपने अब क्या किया, वॉटर में या एसिड या कोई बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने ऐड कर दिया, इससे क्या होगा बच्चों, जो एसिड था उसमें एच प्लस आयन्स थे या H3O+ आयन्स थे, वॉटर में ऐड करने से क्या होगा, इन आयन्स की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी। द मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वॉटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डाइल्यूशन, और ऐसा करने पर जो एसिड हमें मिलेगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। पहले क्या था बच्चों, आपने वॉटर लिया, वो एसिड था कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है बच्चों, जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो और कुछ ही परसेंट हो वाटर की अमाउंट। वो काफी स्ट्रोंग एसिड्स होते हैं, इनको हमें केयरफुली हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। जब आप इन एसिड्स को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, इससे क्या होगा, इन आयंस, इस एसिड में जो आयंस हैं
उनकी कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होती चली जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डाइल्यूशन। इसके बाद जो हमें एसिड मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड के अंदर करीब 90% वाटर होता है और 10% एसिड होता है। इसको हैंडल करना काफी आसान है, ये रिस्क से, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इसी प्रकार बेस है, अगर आपने वाटर के अंदर कोई बेस को आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप केयरफुली ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, उस बेस में जो पहले ओएच नेगेटिव आयंस थे, अब वाटर ऐड करने से उन ओएच नेगेटिव आयंस की जो कंसेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, और हम क्या बोल देंगे, ये डाइल्यूशन है। और इसके बाद जो हमें बेस मिलेगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट बेस, ऐसे बोल देंगे द एसिड और बेस इज सेट टू बी डाइल्यूटेड, या बोल देंगे पहले वो एसिड और बेस काफी स्ट्रोंग थे, वाटर में ऐड करने पर वो वीक हो गए, उनमें जो परसेंटेज थी H+ आयंस की या OH नेगेटिव आयंस की बेस में पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो चुकी है। यहाँ बच्चों दो केस दिखा रखे हैं। फर्स्ट केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर हम बेस ऐड कर रहे हैं, सेकंड में हम हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और हम उसमें HCl ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या पूछा गया है, ऐसा करने पर OH नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, उनके साथ क्या होगा। देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेस है और वो बेस कैसा है, एक्वस फॉर्म के अंदर है, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। OH आयंस नेगेटिव तो इसके अंदर पहले से है ही, ऊपर से आप और बेस ऐड कर रहे हो, इससे क्या होगा, ओवरऑल OH नेगेटिव आयंस की जो कंसेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एनसीईआरटी का है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अक्सर आ जाते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या पूछा गया है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, HCl। देखो बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर H+ आयंस तो होंगे ही, ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो, एसिड्स एसिड ऐड कर रहे हो, इससे हम क्या पाएंगे, ऐसा करने पर जो H+ आयंस की जो कंसेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम ओवरऑल वो यहां भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां बच्चों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो एक मान लीजिए एसिड है, उसमें OH आयंस की कंसेंट्रेशन जितनी भी है उसमें अगर आपने और बेस ऐड कर दिया तो OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, और बढ़ने पर अगर जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की होगी उतना ज्यादा वो बेस क्या होगा, कंसंट्रेटेड। हम क्या बोल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें सॉल्यूशन था वो मोर कंसंट्रेट हो गया बेस ऐड करने से। उसी प्रकार जब आपने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर HCl ऐड किया तो जो हमें मिक्सचर मिलेगा वो पहले से ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें H+ आयंस की जो मात्रा थी, कंसंट्रेशन थी, वो बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल हम pH स्केल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, यहाँ तक चैप्टर जितना भी हुआ है वो आप बच्चों रिवाइज करेंगे, ये आपको सिलेबस आपके 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक में आते हैं उनको सिंपली मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब आप इस लेक्चर को सुने ध्यान से तो आप अपने साथ एक पैरलर में एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर लें, एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दिया है उसको पहले रीड आउट करें, वो करने के बाद फिर लेक्चर को सुने, और दोनों को एक साथ आप रखें, इससे कोई पॉइंट आपका बुक का मिस भी नहीं होगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। थैंक यू।